क्या आपने कभी सोचा था कि रूस और भारत में भी अनबन हो जाएगी, दोनों जिगरी दोस्तों के रिश्तों में दरार आ जाएगी? आज शायद यही हुआ है। कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को धोखा दिया है। भारत जो हमेशा से रूस का ऋणी रहा, उसने कभी भी रूस को क्षति नहीं पहुंचाई और ना ही कोई नुकसान होने दिया। भारत की दोस्ती रूस से बनी रहे, इसलिए भारत ने अमेरिका तक से दुश्मनी ले ली। लेकिन अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि रूस ने भारत के साथ गद्दारी की है। इस पर कदम उठाते हुए, केवल अपना राष्ट्र हित देखते हुए, भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ जबरदस्त कदम उठा लिया है। ऐसा कदम जो रूस को हिला कर रख देगा। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि आखिर रूस ने भारत के साथ ऐसा कौन सा धोखा कर दिया और उस पर भारत ने ऐसा कौन सा एक्शन ले लिया जिसको देख रूस तो क्या दुनिया हैरान है। क्या सच में दुनिया के दो सबसे तगड़े दोस्तों में दरार आ चुकी है? दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण करने के कुछ दिनों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों के सख्त से सख्त प्रतिबंधों से बचने के लिए अमेरिका ने अचानक भारत को भारी छूट पर तेल निर्यात करने की घोषणा कर दी, ताकि भारत उसका समर्थन करे। और भारत ने अपने पश्चिमी देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल का इंपोर्ट करना शुरू भी कर दिया। भारत ने पिछले 5 महीनों से रूस से इतना तेल खरीदा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो रूस भारत को तेल निर्यात करने में 10वें नंबर पर हुआ करता था, वो अब इराक के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। लेकिन क्या रूस डिस्काउंट पर तेल बेचकर भारत को मूर्ख बना रहा है? क्या रूस जो तेल भारत को भारी छूट पर देने का दावा करता है, क्या असल में वो डिस्काउंट है भी? आइए समझने की कोशिश करते हैं भारत के रूस से तेल खरीदने का असल सच। अमेरिका ने हालांकि भारत के रूस से तेल आयात को अपने प्रतिबंधों का उल्लंघन तो नहीं माना, लेकिन अमेरिका इसको लेकर कई बार नाराजगी जाहिर कर चुका है। लेकिन भारत ने अमेरिकी नाराजगी को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अब जो नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है, उससे पता चलता है कि रूस से तेल खरीदकर भारत अपना भारी आर्थिक नुकसान तो कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ भारत अपना रणनीतिक नुकसान भी कर रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर नजदीकी फायदा उठाने के चक्कर में अपने दीर्घकालिक फायदे का गंभीर नुकसान तो नहीं कर दिया? दरअसल दोस्तों, रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचने का ऑफर तो जरूर दिया, लेकिन वो ऑफर डॉलर में नहीं था। यानी मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल है और रूस ने भारत को $80 प्रति बैरल का ऑफर दिया, तो भारत को इसका पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि रूसी करेंसी रूबल में करना था। लिहाजा इसका सीधा असर रुपए पर पड़ा और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रूबल को तो संभाल लिया, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले गिरने लगा और 80 के करीब पहुंच गया। वहीं भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल दूसरे देशों से खरीदता है और इस साल जनवरी और फरवरी महीने में भारत ने रूस से कोई तेल आयात नहीं किया। लेकिन उसके बाद के महीनों में भारत ने पिछले साल जनवरी 2021 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेल खरीदा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि भारत के तेल आयात की वजह से रूस को अपना युद्ध जारी रखने में मदद मिलेगी, लिहाजा अमेरिका कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत का कहना है कि आपको अगर प्रतिबंध लगाना है तो लगा दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका असल दुश्मन चीन है और चीन को अगर आपको रोकना है तो आपका काम हम ही देंगे। दरअसल भारत रूस से डिस्काउंट पर जो तेल का आयात करता है, वो डॉलर में नहीं बल्कि रूसी करेंसी रूबल में करता है और रूस ने डॉलर के वैल्यू को मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रूबल का वैल्यू तय कैसे होगा? ये बात तो सही है कि रूस भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए भारत को रूबल में पेमेंट करना होगा, जिसके लिए भारत को रूसी बैंक से रूबल खरीदने होंगे। तो फिर रूबल का असल वैल्यू क्या होगा, ये कैसे तय होगा? तो फिर टेक्निकली देखा जाए तो ये भारत के लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम ट्रांजैक्शन के चलते रूबल तो कमजोर चल रहा है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूबल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो फिर इसका पता कैसे लगाया जाए कि रूबल की असल वैल्यू कितनी है? रूसी शेयर मार्केट को इसी महीने खोला गया है और बाजार खुलने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के निवेशकों को बाहर कर दिया गया, ताकि रूसी बाजार से पश्चिमी निवेशक पैसे निकाल नहीं पाए। तो फिर एक तरह से जबरदस्ती रूबल के रेट को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि जैसे ही निवेशक पैसे निकालेंगे, रूबल का वैल्यू धड़ाम से गिरेगा। लिहाजा इस एंगल को देखा जाए तो भारत के लिए नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं भारत और रूस के बीच रुपया रूबल ट्रांजैक्शन को लेकर बात अभी तक चल ही रही है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। हालांकि भारत और रूस के बीच अपनी अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन करने की बातचीत चल रही है, लेकिन बात अभी तक असली अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। वहीं अगर इस ट्रांजैक्शन पर गौर करें तो ये पहली बार में नजर आएगा कि भारत रूस से जो सामान खरीदेगा उसका पेमेंट वो रूबल में करेगा,
जबकि रूस भारत से जो सामान खरीदेगा उसका ट्रांजैक्शन वो रुपए में करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें मुनाफे में वो देश रहेगा जो कम सामान खरीदता है, और भारत रूस व्यापार पर नजर डालें तो भारत रूस के मुकाबले दोगुना सामान खरीदता है। यानी अगर इस ट्रांजैक्शन सिस्टम के हिसाब से चला जाए तो नुकसान में भारत ही रहेगा। अगर भारत अलग अलग देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करता है और डॉलर को साइडलाइन करता है तो फिर भारत का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड प्रभावित होगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश डॉलर में ही ट्रेड करते हैं और भारत का लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन इसे बाईपास करेगा। लिहाजा डॉलर को लेकर जो एक कॉमन फैक्टर है उसे नुकसान होगा। वहीं जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भी रूस के साथ व्यापार में रॉकेट साइज उछाल अमेरिका को काफी नाराज कर रहा है, और आने वाले वक्त में अमेरिका इसका बदला भी ले सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत किसी भी देश के साथ व्यापार को बढ़ाने और घटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना काफी जरूरी है कि भारत का दीर्घकालिक हित किस चीज में है। रूस के साथ सारी सीमाओं को तोड़ते हुए ट्रेड को बनाए रखने में, या फिर अमेरिका को नाराज करने में। क्योंकि चीन और रूस जिस तरह से करीब आ रहे हैं, अब रूस के लिए भारत के समर्थन में पहले की तरफ खड़ा रहना नामुमकिन सा हो गया है। अब आइए दोस्तों बताते हैं भारत ने रूस पर यूएनएससी में कौन सा प्रहार कर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से अभी तक भारत सरकार ने तटस्थ रुख अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग से गैर हाजिर रहने का विकल्प चुना था, लेकिन पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने रूस के खिलाफ वोट डाला है। भारत ने बुधवार को पहली बार यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान किया। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य शक्तिशाली देशों ने एक वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक को संबोधित करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को आमंत्रित किया था। फरवरी में रूसी सैन्य कार्यवाही शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मतदान किया है। अब तक भारत ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसकी वजह से लगातार भारत की बहुत ज्यादा आलोचना होती रही और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने खुलकर भारत की आलोचना भी की। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े आर्थिक और अन्य प्रतिबंध लगाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, और इसी तरह की और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।